वो जो बाहर बैठा गुस्से को धुएं में उड़ा रहा है। अगर उसने तुम्हें रोहिल के साथ देखा है तो ये इसकी गैरत पे एक तमाचा है। और ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी इज्जत और गैरत की वजह से ही चल रही हो, उसे अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखना, देखना तो क्या, तस्वुर करना भी उसके लिए मौत है। उसके बाद भी अगर वो फरामोश है, अपने गुस्से को पिए बैठे, तो वाकई तुम उसके लिए उसकी जिंदगी, उसकी गैरत, उसकी इज्जत से बढ़कर ही होगी बेटा। क्यों, तुम्हें क्या रफेल के मरने का ख्याल आ गया? एक दिन इसी तरह मैं उसकी जान लूंगा। शायद यही सोच रहा था। मुर्तसिम, तुम ठीक तो हो ना? सॉरी, गोली चल गई, पता नहीं क्या सोच रहा था। सर, वो पुलिस आई है हमारे घर के बाहर, गोली चलने की आवाज आई थी यहाँ से, इसलिए हमने कंप्लेन की थी। I'll take गिरफ्तार, अभी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अगर रोहिल इस वक्त यहाँ होता तो मुर्तसिम के हाथों मारा जाता और मुर्तसिम जेल जाता, और ये सब किसकी वजह से होता? तुम्हारी वजह से मेरी, बख्श तो मुर्तसिम की जान और हमारी भी। तुम क्या चाहती हो? कत्लो गारत हो तुम्हारी वजह से? क्या ये चाहती हो तुम? होश के नाखून लो मीरा, पछतावे के साथ एक पल भी नहीं गुजार सकोगी अगर तुम्हारे पीछे किसी की जान चली गई तो। रोहिल, रोहिल, रोहिल कहाँ हो तुम? रोहिल, रोहिल आंखें खोलो, ये तुम्हें क्या हो गया? रोहिल, रोहिल आंखें खोलो। हेलो, इमरजेंसी। कहाँ जा रहे हो?
दिल से आया था। Are you serious? I'm serious. वापस नहीं आ सकते हो तुम? क्यों ना जाऊं? क्योंकि मैं भी यहीं पे हूं। जिसलिए आई थी, मकसद पूरा हो गया है। क्या मतलब है तुम्हारे इस बात से? मेरे मतलब तुम अच्छी तरह समझती हो। जो तुम करने आई थी वो तुमने कर लिया है। तुम वापस नहीं जा सकते हो। मैं जा रहा हूं। और मैं? वो हर बात के आखिर में क्या कहती हो तुम? क्या? तेरी मर्जी, तुम्हारी मर्जी मेरा। रोहेल से मिलने के लिए कराची नहीं आई थी। सच कह रही हूँ, इसलिए बारिश हो गई। बारिश तब भी होती है जब किसी का दिल रुकता है। क्या हो गया मुर्तसिम? मुर्तसिम, मैं तुमसे बात करना चाह रही हूँ, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो तुम? मैं कितनी दफा बताऊं, मैं कराची रोहेल से मिलने मुझे कोई सफाई नहीं चाहिए और ना भी मत लेना उसका। गाड़ी तो आहिस्ता चलाओ। मुर्तसिम, अरे ये क्या होलिया बना रखा है? वालेकुम सलाम। और तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? एक रात में तो थकन भी नहीं उतरती सफर की। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या हुआ? सास ससुर ने खातिर मदारत नहीं की, रोका नहीं तुम्हें? उन्हें नहीं पता कि हम आ गए हैं। क्यों नहीं पता? ऐसा क्या हो गया जो यो रात के अंधेरे में मुंह छुपा कर निकल आया? कुछ काम था यहाँ पे, यहाँ कुछ लोगों से मिलना था।
आकाश को अच्छा नहीं लगा होगा यूं अचानक तुम्हारा जाना। ये चोरी छुपे क्या जरूरत थी, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई। तुम तो बता सकती थी अपने माँ बाप को। आप ही तो कहती हैं ये मेरे बाप का घर है, तो कराची वालों को क्यों बता कर आती हूँ। खैर गई तो तुम बड़े हक से थी। हक तो सारे आप लोगों ने छीन लिए। तो माहौल की गर्द झाड़ने के लिए इधर उधर चली जाती हूँ ताकि दिल लगा रहे मेरा। क्या बात है, बहुत जली कटी बातें कर रही है तुम्हारी बीवी है। तो इसमें नया क्या है, घर छोड़े। कुछ लोग आए गांव से मिलने, मिलकर आता हूँ। हेलो माँ, माँ प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपसे माफी मांग भी चुकी हूँ, देखे ना कब से यहाँ पर पड़ी हुई हूँ। तुम अपनी फजूलियात की वजह से वहां पड़ी हो। ना कोई केस ना कोई अदालत, आपने तो बस सीधा मुझे सजा सुना दी। ये तो मुझ पर जुल्म है। हया अगर तुम पर कोई केस चलता तो अदालत होती मुर्तसिम की, और फिर तुम्हें जो अदालत सजा सुनाती वो तुम सोच भी नहीं सकती। अभी तुम्हारी सजा बहुत कम है, सिर्फ तुम्हें गांव में भेजा गया है और बस। और माँ बेगम वो तो आजाद घूम रही है, एक मैं हूँ जो यहाँ पर सड़ रही है। माँ देखें, आपको शायद मैं याद नहीं आती होंगी, लेकिन मुझे आप और मरियम दोनों बहुत याद आते हैं। आप मुझे जो कहेंगी, माफी मांगने को कहेंगी, पाँव पड़ने को कहेंगी, मैं सब कर लूंगी, बस मुझे यहाँ से वापस बुला ले। अच्छा अच्छा बुला लूंगी किसी वक्त। कब बुलाएंगी? तब जब तुम्हारा बंदोबस्त कर लूंगी। बंदोबस्त? खुदा हाफिज। माँ हेलो अजमत, कैसी हो? आपकी दुआ है माँ। हुक्म कीजिए, कैसे याद किया? बस तुम्हें एक बात बतानी थी कि मैंने ख्वाब देखा है, हया को दुल्हन बने हुए देखा है। आगे तुम खुद समझदार। जी बेहतर, इंशाल्लाह आपका ख्वाब जरूर पूरा होगा। और सब ठीक है? अल्लाह का शुक्र है, बस आपकी दुआ चाहिए। दुआओं के साथ खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुर्तसिम कहाँ चला गया? पहाड़ में जाओ।
मुर्तसिम कहाँ है? खान तो चले गए। कहाँ गए? पता नहीं बीबी जी। तो पता रखा करें ना, चाहे जाके पता करें प्लीज। जी बेहतर। बात करनी है। मुर्तसिम नाराज है तुमसे। ये बात आपको मुर्तसिम ने बताई है? नहीं। फिर? तुम्हारी इस खुद एतमादी ने, जिस खुद एतमादी के साथ तुम बोल रही हो। बहुत गलत अंदाजा लगाया आपने। वो मुझसे नाराज नहीं है। अच्छा, कराची से इतनी जल्दी वापस आ गई? मैं अपनी मर्जी से गई थी, अपनी मर्जी से वापस आ गई। अब तुम्हारी मर्जी सिर्फ तुम्हारी मर्जी नहीं है, इसमें हमारी मर्जी भी शामिल होगी। अपनी मनमानी करना बस कर दो मीरा। आपको इतना गुस्सा किस बात पे आ रहा है? रोहेल से मिली थी। ओ, तो कराची वालों ने आपको फोन करके बता दिया? इनकार नहीं कर सकती तुम। मैं इनकार कर भी नहीं रही। हाँ, मैं मिलने गई थी और मुद्दसे भी मुझे वहां से लेकर आया था। क्या मुर्तसिम ने आपको कॉल करके कहा है? नहीं ना, तो फिर सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हैं मुझसे? क्योंकि मैं जान सकता हूं कि मुर्तसिम की इस वक्त हालत क्या होगी। दिल दुखाया तुमने उसका, माफी मांगो उससे। मैं क्यों माफी मांगू? मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तो गुनाह और क्या है? कहां गई तुम्हारी शर्म, कहां गई तुम्हारी हया? तुम्हारा यह किरदार तो नहीं था। मेरे किरदार पे बात कर रहे हैं, और मेरी रूह, मेरी हया, मेरी शर्म जो आप लोगों ने मिट्टी में मिला दी, उसका क्या? मेरा किसी से बात करना या किसी की बात सुन लेना आप लोग को गुनाह लगता है? आप लोग तो समझते हैं कि मैं सिर्फ इस खानदान की इज्जत हूं, आपकी बेटी हूं और सिर्फ मुर्तसिम खान की बीवी हूं। मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। हर बात पे सवाल करने के लिए आ जाते हैं। आप लोगों ने मुझे मुर्तसिम के हवाले कर दिया है ना, तो हर सवाल आप मुर्तसिम से कीजिए, मुझसे नहीं। मरियम, वो मैंने पूछा था कि मुर्तसिम को खाने में क्या अच्छा लगता है, शौक से। भाई, भाई तो कुछ भी खा लेते हैं। नहीं, सब खा लेते नहीं, जो चीज खा के मूड अच्छा हो जाता हो, शौक से खाते हो। ओ, तो ये बात है। क्या बात? आप भाई का मूड बेहतर करना चाहती हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। मैंने ये कब कहा है? मैंने तो वैसे ही पूछा है कि कोई ऐसी खास डिश हो जो उसे पसंद हो, जो खा के उसका मूड अच्छा हो जाता हो। सोच रही हूँ। तुम्हारा भाई है, अब इसमें क्या सोचने की बात? बिरयानी बहुत शौक से खाता है मेरा बेटा, और अगर साथ में खीर बन जाए तो उसका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि उसका मूड खराब क्यों है? नहीं, मूड तो नहीं खराब। वो मैं तो वैसे ही पूछ रही थी। लगता तो है कोई बड़ी बात है, क्योंकि अनवर वकास से फोन पर बात करते हुए बहुत परेशान लग रहा था। मुर्तसिम भी चुप है, तुम भी कुछ नहीं बता रही हो। कहीं तुम सबने मिलकर कोई पार्टी तो नहीं बना ली? आजाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ने का इरादा है क्या? या फिर कोई कारनामा अंजाम दिया हो तुमने?
इस दफा यहां नहीं तो कराची में ही सही। माँ बेगम, वो मैंने ना ऑलरेडी खाना पकाने के लिए रखा हुआ था, अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगी। कुछ भी बना लो, सिर्फ हमें बेवकूफ मत बनाना कि तुम माँ बनने वाली हो पहले की तरह। माँ, अब आपको मीरब को माफ कर देना चाहिए, उन्हें एहसास है अपनी गलती का। और वैसे भी बार बार गलती दोहराने से दिल खराब होते हैं। ये बातें तुम्हारी मोटी मोटी किताबों में लिखी होंगी ना, मन्नत तुम्हें तो इतनी अकल है नहीं, अकल से तो पैदल हो तुम। मेरा काम था आपको समझाना। मरी जी जल्दी कीजिए, मुर्तसिम आता ही होगा। जी बीबी जी, बस कट गया। क्या क्या रह गया, आपने रायता तो बनाया ही नहीं, जल्दी करें। ये बादाम है। छोड़े मैं काटती हूँ, आप जल्दी से रायता बनाएं। खीर ला के दे मुझे जल्दी। जी अच्छा, जी अच्छा। बिरयानी चेक कर लीजिए, दम पे रख लीजिए। मरी जी, इसको भी गार्निश करो। देखिए कबाब बेकोने के लिए रखे थे, वो भी नहीं आए। थे आप? काम से गया था। और तुम अब तक क्यों जाग रही हो? अब वो मैं पढ़ाई कर रही थी, अब भाभी इंतजार कर रही थी आपका। ठीक है। अब वो दरअसल 8 घंटे से डाइनिंग टेबल पे बैठी हैं। ओके, जाओ। खाना तो ठंडा हो गया होगा, मैं गर्म करवाती हूँ। मुझे भूख नहीं है। क्यों?
खाकर आया। एक मिनट, सारा दिन लगा के इतनी मेहनत से मैंने खाना बनाया, तुम खाना खा के आ गए। पहले तो कभी बाहर से खाना नहीं खाकर आया था, अब मुझसे नाराज हो इसलिए खुद से इस तरह कर रहे हो। तुम्हें पता है ना मुर्तसम, मैंने खुद अपने लिए कभी चाय का कप नहीं बनाया, और ये सारे तुम्हारे पसंद के खाने आज मैंने मेहनत से बनाए। प्यास काटी, बहुत रोना भी आ रहा था मुझे, उसका कुछ नहीं। प्यास काटे तुमने, सो सॉरी यार, सो सॉरी तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ी, इतनी मोहब्बत से इतना सब कुछ तुमने बनाया, लेकिन मेरा दिल भर गया है बिल्कुल मेरे पेट की तरह। तुम्हें कुछ अंदाजा भी है कि वो 30 मिनट मैंने कैसे गुजारे जब तुम एक फ्लैट पे थी? मत करो इतनी कोशिश, इतनी मेहनत, इतनी मोहब्बत, जिस तरह चल रहा है चलने दो, वक्त गुजारो चुपचाप। नहीं चलने दे सकती, मेरे किरदार पे कोई उंगली उठाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। मैं पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ मुर्तज़ा, मैं कराची रोहिल से मिलने की नीयत से नहीं गई थी, सभा से मिलने गई थी। उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पे ले गया। तुम भी तो उसके फ्लैट पे आ गए थे, लड़ाई की, उसे मारा, हिसाब बराबर हो गया। और वैसे भी मुर्तज़ा मेरा क्लास फेलो है, मैं जानती हूँ उसे, मिल सकती हूँ इतनी को बड़ी बात नहीं है। कितनी छोटी और कितनी बड़ी बात है मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बहुत सच्ची हो ना तुम, कूदो यहाँ से। मजाक कर रहा हूं? नहीं, मुझे ऐसे ही यकीन आएगा। अच्छा, यहां से कूदो और मुझे यकीन दिलाओ कि तुम खुद रोहिल से मिलने नहीं गई थी।
यहां से कूदने से मेरी सच्चाई साबित होगी। Now. फिर एक वादा करो, तुम अब कभी रोहिल से नहीं मिलोगी मीरा, कभी नहीं। वादा करने से कहीं ज्यादा आसान है, पता है क्यों? मर जाने से हर वादा, हर कसम खत्म हो जाती है। जिंदा रह के वादा निभाना पड़ता है। सारा खाना उठा दीजिए, किसी को भूख नहीं। रुकिए, मुझे भूख है, मैं खाऊंगा। चाहिए।